हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है एलोटून कबूतर चैनल पर। तो दोस्तों अपने ये खुले हैं सारे, अब नर, पहले खुली थी मादी ने, आओ तो उड़ाया तो इन्हें जा नहीं रहा, बस इन्हें बस ऐसे बैठा के अब दाना कराया जा रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो भाई ये चोच भी ज़्यादा फाड़ लेते हैं। जब हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो इनसे क्या हो रही होगी भाई कबूतरों से, ये तो कबूतर हैं तो इसलिए उड़ाना तो है नहीं। और फिर ये भी है कि भाई अब इनका इनको रेस्ट देंगे थोड़ा, क्योंकि हम भी खुद नहीं चढ़ पाते हैं छत पर, तो भाई इनका करना पड़ेगा वैसे ही कि आए और दाना खिलाया और सीधा अंदर बंद। आओ, और अपने कुछ इसमें से कबूतर भी पर वगैरह लेकर आ रहे हैं, कल ही ना फट जाए इसलिए अब उड़ाना कर दिया थोड़ा सा बंद। लगे कल भी नहीं उड़ाया तो आज भी नहीं उड़ाया कबूतरों को। तो वैसे ही करेंगे अभी ना, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर इनकी परों की कटिंग कर देंगे, इनके चार चार कुंदे सबके काट देंगे, जिसके आ रहे होंगे उसके नहीं काटेंगे, जिसके नहीं आ रहे वो तो काटने ही पड़ेंगे ना। आओ आओ, फिर भाई अगले महीने से फिर पतंग वगैरह भी उड़नी शुरू हो जाएगी, तो कबूतरों का भी ध्यान रखना पड़ता भाई, बाजू वाजू ना कट जाए, तो इसलिए फिर इनके पर भी काट देंगे, जाल के अंदर दाना कराएंगे पहले एक दो दिन, क्योंकि ऐसे ही हैं उड़ जाते हैं, जल्दी बाहर निकाल देंगे तो जाल से निकलते ही उड़ना शुरू कर देता। मादिन तो नहीं उड़ती, नर उड़ जाते हैं जाल से निकलते ही, तो एक दो दिन इन्हें दान जाल के अंदर कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ओ फिर इन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पर कटे हुए हैं, हमें अब उड़ना नहीं है, लास्ट पे ही रहना। वो एक कबूतर नहीं निकाला भाई, ध्यान नहीं रहा, कैच है वो अपना, ये रहा। चलो तो इसको भाई, इसको बाहर नहीं निकाला था, ध्यान नहीं रहा भाई, वो तो अचानक याद आ गया, आ आ आ, क्योंकि ये उड़ जाता है ना, क्योंकि कोई जैसे पक्षी वगैरह आ जाए, जैसे चील, वो चील कह रहा हूँ, कौवा आ जाता है ना, तो काफ़ी कौवे इकट्ठे हो जाते हैं एकदम ही बगल वाली पे, क्योंकि ये दाना वगैरह, दाना के अंडे वगैरह देते हैं बगल वाले, तो इस वजह से कबूतर हो जाते हैं इकट्ठे, वो सॉरी कौवे हो जाते हैं यहाँ पे इकट्ठे, और काऊ काऊ करते तो ये उड़ जाते हैं चटक के, इस वजह से मैंने इसे खोला नहीं था, मैंने खामा खाई इधर उधर गिर जाए, कैच वैसी है। क्योंकि इसने अपने सारे पर गिरा चुका है ये अपना लाल। आओ आओ, आओ। तो ये पट्ठा भी भाई इस वाले जाल में कर दिया, दूसरा वाला पट्ठा वो हो रहा भाई, देखो वो दूसरा वाला जो बीमार हो गया था, बाजू लग गई थी, वो बिल्कुल ठीक है और उड़ भी गया था अभी, ये जैसे जाल से बाहर निकाले थे तो एकदम उड़ भी गया था कबूतरों के साथ, बस सही उड़ा, मत थोड़ा सा कमज़ोर है, बस हो जाएगा वैसे, अब दाना वाना खाएगा ना भरपेट तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इन्हें घूमने देते हैं, फिर देंगे दाना।
वो चल के बैठ गया ना ऊपर, नाम का ही कैच है, इतने मोड़े के हल्का सा कर दिया तो उड़ के चला जाएगा कबूतर के साथ, क्योंकि कल ही उड़ गया था। आओ आओ, पूरे गहरे गंडे करता जा रहा भाई ये कबूतर अपना लालबंद, चमकीले गंडे हो रहे हैं बिल्कुल ही यार, तो थोड़े जरट टाइप कैसे होते जा रहे हैं इसके। आओ 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 आओ, तो भाई खाते रहेंगे दाना अपना आराम से पेट भर के। चलो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।